लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय हलिया स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर आए दिन ताला बंद होने तथा कर्मचारियों के नदारद रहने पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह 10:15 बजे अहोगी कला गांव निवासी किसान प्रभु नारायण पांडे बीज भंडार पर पहुंचे, जहां बीज भंडार पर ताला बंद होने तथा कर्मचारियों को न मिलने पर काफी परेशान हुए। पत्रकारों के पहुंचने की सूचना पर 12:15 बजे बीज भंडार प्रभारी सुरेंद्र कुमार यादव बीज भंडार पर पहुंचे। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, किस पद पर हैं आप? यहाँ बीज उड़ान इंचार्ज है। कै बज रहा है इस समय महोदय? 12:15। आपका कार्यालय कै बजे खुलना चाहिए? 10:00 बजे। और आप आ कितने बजे रहे हैं? 12:15 बजे। तो केवल आपकी ही ड्यूटी यहाँ पर है, किसी अन्य और की ड्यूटी है? सबकी ड्यूटी है। पीएम किसान का सत्यापन चल रहा है, मैं 10:00 बजे आया हूँ, यहाँ खोल के बैठा था। स्टोर हमारी एक ऑफिस वहाँ है जहाँ काम चल रहा है, ये मैं सारे लोग वही हैं। आप चलिए देखिए, 2 घंटे से ये किसान महोदय यहाँ बैठे हैं। आप बता रहे हैं कि हम यहीं बैठे थे, और मैं भी ये दूसरा चक्कर में आ रहा हूँ। सुबह आया था फिर बैठा। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं यहीं पे। मैं ये दूसरा चक्कर में आ रहा हूँ, और किसान महोदय भी बाहर खड़े हैं। आप खोले थे 2 घंटे से किसान खड़े हैं? इनको किसानों से बात कर रहा हूँ, सुबह आके। एक किसान नहीं है, अभी पांडे जी बोल रहे थे, एक ऐसे किसान नहीं है। नहीं, इनको क्या मान? 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं आके। क्यों चाचा जी, आप 2 घंटे से खड़े हैं? दो घंटे से खड़े हैं, बताइए। और आप अभी अभी भी ताला हम लोगों के सामने खोल रहे हैं। आप फोन भी किए? फोन किए थे। हाँ, कौन रिसीव किया? पहले तो एक महोदय, मतलब क्या है नाम, ग्राम क्रांति में 81 है फोन नंबर, वो बताया मैं दोबारा में। अच्छा, ये बताइए, आप ताला तो अभी आप खोल रहे हैं ना? बैग अभी लेके आप ताला खोल रहे हैं? ताला तो अभी जस्ट खोल रहे हैं। ताला अभी फोन गया था, सभी लोग सत्यापन में, कोई लेखपाल के साथ। नहीं नहीं, तो ये बताइए कि कार्यालय में किसी को रहना चाहिए सर कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, मगर इसमें पीएम किसान का सत्यापन, तो मतलब कार्यालय बंद होकर रहेगा? मान लीजिए जिसके पास सर मोबाइल नंबर है, जो सक्षम है, वो तो मान लीजिए आपको फोन कर लेगा, लेकिन एक गरीब किसान अगर जो जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है आप, तो वो कहाँ जाएगा बताइए? ये आपका रूम कमरा नंबर 3 कहाँ खोजेगा? कितने स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे 5 लोग। 5 स्टाफ में बताइए, एक भी नहीं है यहाँ पे? 2-2 घंटे से किसान परेशान है। रहते कैसे रहते हैं बताइए? क्या चले गए? सत्यापन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है सत्यापन। सत्यापन कोई लेखपाल बुला ले रहे हैं पूरे हलिया ब्लॉक में, जहाँ जहाँ जिसको लेखपाल बुला रहे हैं सब वहाँ जा रहे हैं, बाकी और जैसे ऑफिस में। तो इस समय आप कहाँ सत्यापन करके आ रहे हैं, किस गांव में आ रहे हैं? 3 नंबर में सिस्टम है, सब वहीं काम कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाते हैं। अच्छा, 3 नंबर पे। मान लीजिए जिसको नहीं मालूम है 3 नंबर, वो कहाँ जाएगा? यहाँ कोई चस्पा नहीं किया, कोई नोटिस यहाँ नहीं लिखे आपको? नहीं नहीं, चस्पा करना चाहिए ना? नहीं, पूरे पूरे ब्लॉक किसानों से बात कर लिए हैं। फिर भाई साहब, 279 ग्राम सभा है। अभी मैं 10 बजे से 10:30 बजे तक यहीं था, उसके बाद गया फिर बीच में आता। 10 जो है क्या कहते हैं, 20 रुपए यहाँ आगे कोई नहीं था, ताला लगा। मैंने सुबह किसानों से बात करा हूँ आपसे। अच्छा, ये बताइए, आज कह रहे हैं आप सत्यापन हो रहा है, तो 79 ग्राम सभा के किसानों से आप बात कर लिए हैं? 79 से नहीं हो सकता, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ नोटिस चस्पा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताएं हमें, कि हमारा आज का कार्यालय 3 नंबर में हम लोग काम कर रहे हैं, लिहाजा वहाँ संपर्क करें, होना चाहिए कि नहीं होना? और किसान के कागजातों को जमा किया कृषि बीज भंडार पर ADO, AG, बीज भंडार प्रभारी, ADO, PP, BTM, ATM सहित 6 लोगों की तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन कृषि बीज भंडार पर ताला लटका रहता है। किसान प्रभु नारायण पांडे ने बताया कि 3 दिन से धान के बीज के अनुदान के लिए कागजात जमा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं मिल रहे। इस संबंध में बीज भंडार प्रभारी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया, पीएम किसान सम्मान निधि का सत्यापन करने के लिए गया हुआ था, अन्य कर्मचारी भी सत्यापन कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण बीज भंडार बंद किया गया था। जबकि सबसे बड़ा सवाल या निशान यह है कि अगर कर्मचारी किसी कार्य व क्षेत्र में जाते हैं तो गोदाम या कार्यालय पर नोटिस चस्पा करने के बाद ही क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन यहाँ गोदाम पर कोई भी नोटिस या जानकारी चस्पा नहीं पाया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत से गौरव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट, मिर्जापुर। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव R9 भारत से इस समय राजकीय कृषि बीज भंडार ब्लॉक मुख्यालय हलिया पर मौजूद हूं, और हमारे सामने एक किसान हैं, उन्हीं से पूछता हूं उनका नाम क्या है और आज यहां आए हैं तो क्या काम है और कोई कर्मचारी है कि नहीं। हां, क्या नाम है भैया आपका? प्रभु नारायण पांडे। अच्छा, कहां के निवासी हैं आप? अहोगी कला। अच्छा, आप यहाँ राजकीय कृषि बीज भंडार पर आए हैं? हाँ, आए हैं यहाँ पे। क्या काम है आपका? जो है क्या कहते हैं, छूट वाला जो है कागज देना था। देना था जी। तो कोई कर्मचारी नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं अब तक। ताला बंद है? हाँ, गोदाम का ताला बंद है। मतलब ऑफिस कार्यालय, ये तो कार्यालय है। हाँ, कार्यालय, इसमें भी ताला बंद है? ताला बंद है। और गोदाम में भी ताला बंद है? गोदाम में भी ताला बंद है। तो कोई कर्मचारी नहीं है सर अब? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप ये कई बार आ चुके हैं यहाँ पर?
तीसरा चक्कर लगाए हैं, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं ये किसान हैं और आके परेशान हैं, या कृषि राजकीय कृषि बीज भंडार के सामने आके परेशान हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि 3 बार यहाँ आ चुके हैं लेकिन कोई कर्मचारी यहाँ नहीं मिलता। गौरव श्रीवास्तव, R9 भारत, हलिया, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, गौरव श्रीवास्तव R9 भारत से। हाँ सर, क्या हुआ, हम लोग यहीं खड़े हैं अभी, उसमें आज कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं थे। अरे भाई तुरंत नरेंद्रपुरिया से बात करने जा रहा हूँ, तुरंत वही था, कोई नहीं, अंदर ही गुलाब नहीं थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। अभी 10 मिनट हुआ है, एक यादव जी, सुरेंद्र यादव जी कोई हैं, वो पहुँचे हैं। जब किसी ने बगल से, पशु चिकित्सालय के बगल से फोन किए हैं तब वो पहुँचे हैं। ऊपर से किसान को ही वो हड़का रहे थे। किसान ये बता रहा है कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और मैं 10:15 बजे से आया हूँ। वो जबरी कह रहे हैं कि मैं यहीं पर मौजूद था। आप, मैं बस इतनी प्रश्न, क्योंकि आपका जिले के उच्च अधिकारी हैं आप, आपका वर्जन जाएगा। अरे भाई कमरे पे इन्होंने सिस्टम रखा हुआ, पीएम किसान का काम कर रहे हैं। जी एक चीज तो वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे सीनियर से भी बात कर लीजिए, वो भी यही बताएंगे। कहने का मतलब कि जैसे अगर कहीं अन्यत्र काम हो रहा है या गांव क्षेत्र में जा रहे हैं किसान सम्मान निधि, तो कोई नोटिस या कोई जानकारी चस्पा होना चाहिए। हाँ, हाँ, वो होना चाहिए, वो हमने कह दिया है। नहीं नहीं तो होना चाहिए, मान लीजिए जो पढ़ा मैं उस समय भी कार्रवाई होना चाहिए, वहाँ इनको लिखना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे चस्पा होना चाहिए, इस कार्य में लगाव जा रहा हूँ। तो ये कमी मानते हैं कि नहीं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ और ये मैं तो डेली ब्लॉक मुख्यालय में, चूंकि तो मेरा तो डेली आना जाना है, मैं आज 10 दिन से देख रहा हूँ कि कोई भी कर्मचारी कभी भी वहाँ नहीं मिलता है। अरे भाई महीनों से सब पीएम किसान निवेश है, सारे लोग हैं, आप पता करा सकते हैं। जी आप क्या डीएम साहब से कहिए, एडीएम साहब, सब लोग राजस्व वाले भी जुटे हुए, नेपाल वगैरह भी। जी जी सर, सारे लोग जुटे हुए, सब मिलकर भूले खंडन का कार्य चल रहा है। जी सर, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, मैंने बोल भी दिया है। जी जी ठीक है, चले कभी से कभी बैठक में जाना। ओके सर, धन्यवाद।